सहारनपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी को एसिड से जला दिया। इसमें उसके जीजा और भाई ने उसका साथ दिया। महिला ने बताया कि बच्चे न होने पर उसका पति उसे ताने मारता था और इसी वजह से उस पर तेजाब से हमला किया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ने मुझे बहाने से बाहर बुलाया घर से और मुझे बोला आपकी शादी कब हुई थी, क्या किसने किया? मेरे हस्बैंड ने किया, मेरे साथ मेरे नंदोई ने, मेरे जेठ ने, तीनों ने मिलके किया। क्या डाला गया आपको? बोतल लेकर आए थे एसिड का। तो किस बात को लेकर हो गया? मेरे को बच्चे नहीं होते, उसने दूसरी शादी कर ली और मुझे लेके भी नहीं जाता। मैंने बोला ले जाने को, पर लेके नहीं जाता, बोलता है घर खाली कर मेरा और किधर भी जाए मेरी तरफ से। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने महिला का बयान दर्ज किया और शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोतवाली देहात की है, जहां एक महिला के पिता ने ये आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया है कि उसकी पुत्री के ऊपर उसके दामाद यानी कि उस महिला के पति ने चेहरा बदशकल करने की नीयत से चेहरे पर तेजाब डाल दिया है, जिससे वो बच्ची जल गई है। इसमें मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो चेहरे पर ऐसा कहीं कोई निशान नहीं है, शरीर पर तेजाब के कुछ निशान बताए जा रहे हैं। मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है, पति पत्नी का विवाद है, जांच करके इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना देहात कोतवाली के गणपति विहार की है। महिला की शादी को 7 साल हो गए हैं और बच्चा न होने पर दोनों में विवाद होता है। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पंजाब के सिटीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।